मैं जानता हूं कि आपने निर्णय पहले लिए और साक्ष्यों का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया। ये न्याय नहीं होता है। इसको कतई किसी भी रूप में जस्टिस की संज्ञा दी ही नहीं जा सकती है। आपने एक बहुत बड़े पूंजीपति को ढकने के लिए कि वो चादर में छुपा रहे, उसको बेपर्दा ना किया जाए, आपने महुआ के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है उन तमाम लोगों को। लेकिन इस तरह के संदेश ना काम नहीं करते हैं। लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। एक व्यक्ति को करोगे, पूरे को कर दो सस्पेंड, फिर क्या सवाल तो उठेंगे। संसद नहीं सड़क पे। आपकी क्या राय है, क्योंकि इसके ऊपर यह भी लगा आरोप कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी से समझौता किया। नहीं नहीं, नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज होती है भाई। मान लीजिए लॉगिन उन्होंने दिया, जो स्वीकारोक्ति भी उन्होंने की है, पहले तो यह पता करो कि कितने सारे और लोगों ने अपने लॉगिन और पासवर्ड किसी और को दिए, ये पता करिए। दूसरी बात, कमाल का देश, पुलवामा में शहादत हुई, बर्बर हिंसा में अपने जवान को, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा पर उससे बड़ा मसला हाल के वर्षों में हमने नहीं देखा। ये क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब कमाल है, किसी की नींद में खलल पड़ जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो गया, कोई बेचैन हो जाए पूंजीपति तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी तोते, और आप समझ रहे हैं मैं तोते से क्या समझ रहा हूं, किसी तोते की जान से ज्यादा के संदर्भ में नहीं देखी जानी चाहिए।